हम लोग के बीच में कंफ्यूजन चल रही है कि हम एक वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह के 8 बजे है और हम जल्दी उठ चुके हैं। दिवाली इज इन द कॉर्नर। तो ये जो पेड़ है इसको ट्रिमिंग की जरूरत है। ट्रिमिंग की जरूरत क्यों ना हो, क्योंकि हर चीज को फेस्टिव लुक देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज थोड़ी बहुत दिवाली की शॉपिंग करेंगे, दिखाएंगे आपको क्या क्या दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं हम। तब तक के लिए थोड़े से एडवेंचरस पेड़ कटिंग और चीजें देखिए। हाँ? तो हमारा जो हाउस है वो नॉर्थ फेसिंग है इस तरफ, तो उस तरफ से सन राइज करता है और वहाँ से पीछे से घूमता तो वहाँ से जब सन आता है तो इनके ऊपर जो है, इन वाले पौधों के ऊपर, सिल्वर पाम और चाइनीज पाम के ऊपर सनलाइट नहीं लग पाती, तो इसलिए इनकी ग्रोथ बहुत स्लो है। थोड़ा सा आएगा लेकिन पूरी रोड की सफाई कर देते हैं इससे। पेड़ की फाइनल लुक ले लीजिए गाइस। पेड़ भी जो है बाल कटवाने के बाद अच्छे नहीं लगते हैं। साथ वाले पेड़ दोस्त अब इसकी बेइज्जती करेंगे। सफाई कर रहे हैं और आपको पुरानी चीजें ना मिले जो आपकी कभी जमाने में रखी हुई है हमने, तो क्या ही दिवाली की सफाई करी आपने। तो ये जो यंत्र है अगर देख सकते हैं आप गाइस, ये जो है इतना बड़ा भी हो सकता है, फुल हाइट पे जा सकता है। मेरी हाइट से डबल 12 फीट हो चुकी है और हम इससे करते हैं कोशिश सफाई करने की। जो ऊपर आप देख रहे हैं स्लैब के नीचे, ये हैं WPC लूअर्स, वुड प्लास्टिक कंपोजिट लूअर्स। ये आप लगवा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लुक दे देते हैं आपके घर को। बट थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, वो क्या डिसएडवांटेज है, इनके जो ये आप गैप देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें फंस जाती हैं, कीड़े वीड़े जाले वाले लग जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो गया है। थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था, यहाँ पे वो जीरा मच्छर होते हैं, छोटे 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 मच्छर टाइप लाइट के ऊपर चिपकने वाले, तो वो मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए थे लाइट पे, अनगिनत टाइप में पूरे धड़ 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 करके रात को आते थे और सुबह बेचारे मर जाते थे। एक बंदे की पोजीशन जो है फिक्स्ड है, सिर्फ एक और एक बंदा जो अपनी जगह से इतना एक इंची भी नहीं हिला है। तो मैं खुद मिलवाता हूँ ये, तो कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ये जानवर मैं लग रहा हूँ। कैसे, तो डर नहीं लगता? चलो जी बाय बाय कर दिया। गाइज अब जो है हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है वो लग रहा है बहुत ही शानदार, चमकता हुआ धमकता हुआ। आपको दिखाता हूँ, हमारी जो नीचे की फ्लोरिंग है वो अभी तक सफाई चल रही है उसकी, बट आप देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है हमारा फर्स्ट फ्लोर। आज हम मिलानी है फ्रंट के लिए लड़ियां। अभी एक दो चीजें लेके आएंगे, दिखाते हैं आपको क्या क्या चीजें लेके आएंगे। तो गाइज मैं और मेरे बड़े भाई निकल चुके हैं शॉपिंग करने, जैसा कि मैंने आपको बताया था दिवाली की शॉपिंग करने, और हम क्या क्या खरीदने वाले हैं आज वो आपको दिखाएंगे। पानीपत में रेलवे रोड पे जा रहे हैं हम, और भी एक दो जगह पे जाना है, हमें एक दो चीजें रिटर्न करवानी है। तो गाइज आज ये हमारा व्लॉग पब्लिक व्लॉग होने वाला है, हम पब्लिक में पूरा सेटअप लेके निकलेंगे और देखते हैं लोगों के क्या रिएक्शन रहते हैं हमारी तरफ। और अगर आप YouTube पे बिल्कुल नए फ्रेशली अगर आपने YouTube चैनल बनाया और आप पब्लिक ब्लॉगिंग करने से डरते हैं, तो गाइज डरिए नहीं, कॉन्फिडेंस रखिए। और अगर आपका कोई भी फेवरेट पर्सन आपके साथ जाए तो आपका जो है ब्लॉगिंग का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो हमेशा एक बंदा अपने साथ रख सकते हैं जो हमेशा आपको बूस्ट करता है। मेरे साथ मेरे भैया हैं, ये हमेशा मेरे को बूस्ट करते हैं, तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पब्लिक में ब्लॉग करने के लिए बहुत ही हाई रहने वाला है। रिएक्शन पहले ही एक अंकल देख रहे हैं हमें, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं कब पहुँचेंगे। तो गाइज अभी हम हेलमेट की शॉप पे पहुंच गए हैं, शिव शक्ति ट्रेडर्स। हाँ, तो कौन कौन से ये है? बिका का ही वो, इसकी प्राइसिंग है 1000 रुपये। इससे थोड़ी ऊपर रेंज में कोई बिका सर, मजबूती उसी सबसे है ना, ये हेलमेट आपको लेना चाहिए चलान बचाने के लिए, नहीं सिर्फ ये सेफ्टी के लिए। सबसे ज्यादा बड़ी बात ये डॉट सेटिस्फाइड है, ISI भी है, डॉट भी है। अदर लोग है जैसे मान लो और कंपनियों के लोग है तो आपको डॉट में नहीं मिलेगा ना वो मिलेगा, आप स्टील वाले चले जाओ। इसका मतलब क्या होता है डॉट सर्टिफाइड? डॉट सर्टिफाइड एक तो ISI होता है, इंटरनेशनल मोहर होगी। अच्छा इंटरनेशनल मोहर होगी, डॉट सर्टिफाइड, सारी डिटेचेबल है, अशेबल पैडिंग है सारी। वैसे के स्टड का है हेलमेट, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताएं, पहन के दिखाते हैं। हेलमेट चेक करना सबसे बढ़िया आपको कौन सा है, बिल्कुल फिट आना चाहिए, ऐसे हिलना नहीं चाहिए,
तो अभी ये हिल रहा है, तो जहाँ से हिल रहा है तो उसका मतलब आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सेम ऐसा हैलोजन टाइप। गाइस ये कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताएं। चिन सपोर्ट भी है यहाँ ना, एक्स्ट्रा हवा वगैरह भी नहीं है यहाँ से क्रॉस करेगी आपके जब आप बाइक चला रहे होंगे स्पीड में। ये चीज अच्छी रहती है, ये चीज इसमें भी है। देखिए ये वाला दिखाना, वाइजर चेंज करवा के देख रहे हैं इस वाले हेलमेट पे इसकी फाइनल लुक कैसी आती है, क्योंकि इस वाले हेलमेट पे वाइजर की लुक आ रही है ना, इस वजह से और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। क्या किया इस वाले पे जो हैलोजन वाला वाइजर था वो लगवा रहे हैं, तो आप देखते हैं इसकी लुक कैसी आती है, क्या आपको पसंद आया? लग ये तो पसंद आ गया गाइस पहले लुक में। ये क्या देख रहा है भाई? गाइज एक्चुअली क्या है ना, हमारे फ्रंट एलिवेशन में एक ऊपर एक जगह है, तो ये ऊपर ना कबूतर आ जाते हैं और ना बहुत गंदा कर देते हैं वहाँ पे। इलाज है लगाने का कि वो बैठेंगे नहीं वहाँ पे। दिवाली की शॉपिंग नंबर वन डन, अब चलते हैं दूसरी चीज लेने, उसको दिखाते हैं। ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आएंगे मेरा रेफरेंस दिनेश सोलंकी ब्लॉग देके जरूर आना शॉप पे भैया, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना भैया। ठीक है ना? ठीक है गाइज, चलते हैं अभी दूसरी दुकान पर। रेलवे रोड पे गाड़ी लाना गाइज इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है यहाँ पे। हमारी गाड़ी छोटी है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तो इसलिए हमने सोचा कि ले आएंगे तो कोई इशू आएगा नहीं। और शीशा भी साफ़ नहीं है, कोशिश करी थी साफ़ करने की बट नहीं हो पाया। गाइज एक पार्किंग की जगह हमें मिली थी, तो हमने यहाँ इधर पार्किंग पे लगा दिया गाड़ी। अब हम जा रहे हैं LEDs लेने। दुकान भाई एक्चुअली कॉल पे पूछ रहा है कौन सी वाली शॉप से लेनी है, बट इस दिवाली हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें लें। अपने भी लोकल वेंडर्स हैं उनकी हेल्प करें। हर जगह पे फेस्टिव सीजन छाया हुआ है, जैसा कि बता रहा था कि मैक्सिमम इस दिवाली आप लोगों ने प्रॉमिस करना है कि लोकल वेंडर्स को सपोर्ट करें, जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सके लोकल वेंडर से लें, बट जो LEDs है वो हम नॉर्मल दुकान से ले रहे हैं। पास का व्यू देखिए आप, ये सामने रेलवे स्टेशन है। बहुत सारी LEDs लेनी है, देख दिखाते हैं आपको कौन कौन सी किस किस तरीके की LEDs लेनी है। ये अच्छी लग रही है गाइस, हमें देख सकते हैं ब्लू और वाइट लेना ना। 8 मिनट एक ही कलर लेंगे यार, बाकी दो तीन कलर लेने का फायदा नहीं है। दो कलर ब्लू और वाइट सही रहे गाइस। हम लोग के बीच में कन्फ्यूजन चल रही है कि हम एक ही कलर लें या दो कलर लें। मैं बोल रहा हूँ कि एक कलर लेंगे। ये एक कलर जो 4K कलर है, ब्लू और व्हाइट का कैसा लगे कॉम्बिनेशन? मेरे को नहीं लगता अच्छा लगेगा। आई डोंट थिंक सो। नहीं हेलो पे बहुत भीड़ हो रखी है, देखिए गाइस फेस्टिव सीजन स्टार्ट है, और आप देखिए गाइस लोग पूरे उत्साहित हैं, लड़ियां ले रहे हैं और अपने घर को सजाने की पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं सभी लोग। सब लोग बाहर निकले हुए हैं शॉपिंग के लिए। और मैडम ये वाली लड़ी हमने फाइनली डिसाइड की है लेने के लिए, दिस वन। कुछ तो भाई ने जान पहचान निकाली है इन भैया से जिनकी शॉप है। ये गाइस आ गई हमारी लड़ियाँ 11 मीटर की, 40 पूरा जगमग कर देंगे घर गाइस इन लाइटों से। तो जी गाइस बहुत खुश हैं हम हमारी लाइट्स लेके, और वापस अब जा रहे हैं अपनी कार की तरफ। और 2500 रुपये का मात्र बिल आया है, क्या है और क्या लेना है? और तो आप गोलगप्पे खाएंगे हम, LED और हेलमेट, बाकी जो शॉपिंग है वो टाइम चलते चलते होती रहेगी हमारी। ये रहा, अरे ये डाल दी मैंने, दिनेश चलो बाबा फोन लेगा भाग, फोन लेगा भाग, अरे फोन लेगा भाग, चला। और क्या, अब आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ऊपर जब भी आए ना अपना क्लिक करके देख लेना। बट ये जो LEDs हम लगाएंगे अपने घर पे, उसके बाद आपको नजारा दिखाते हैं, पूरा जगमगा जाएगा भाई घर। अभी का क्या सीन है ना, गोलगप्पे खाने का मन था बट भाई बोलता कि नहीं खाते, फिटनेस पे ध्यान देंगे, घर जाके जिम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी फेस्टिवल्स, बाय बाय। रख देते हैं हेलमेट को। अरे बंद क्यों है, बंद किसने कर दिया? अरे बंद कर, बंद है भाई, कोई नहीं, अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा खुला मिलेगा, अभी देखना। हम जा रहे हैं गाइस हिडन रास्ते से, बाथरूम से।